ड्रुपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डेट टाइप कैसे एक नया डेट टाइप कैसे बनाते हैं, और अगर हमें अपनी ड्रुपल 7 की वेबसाइट में अगर कहीं हमें डेट फॉर्मेट चेंज करना हो, जो कि एग्जांपल के लिए मैंने ये आर्टिकल में पोस्ट डेट यूज़ की है कि ये कब पोस्ट किया गया है आर्टिकल, तो अगर ये जो डेट फॉर्मेट है, अगर इसे हमें इस फॉर्मेट में ना के कोई दूसरा फॉर्मेट अगर यूज़ करना हो तो अपना कस्टम फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, तो वो इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए देखते हैं। दोस्तों, ये व्यू है, तो इसको हम लोग पहले इसके व्यू में एडिट पे जाएंगे। यहाँ पर देखिए, हमने उसकी आर्ट टाइटल, बॉडी, इमेज और पोस्ट डेट फेच कराया हुआ है, जो कि नीचे आ रहा है टाइटल, बॉडी, इमेज, और ये हमारी डेट फॉर्मेट डेट, और इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ से आप लेवल चेंज कर सकते हैं, अगर आपको लेवल चाहिए तो चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए। ये है डेट फॉर्मेट। यहाँ कुछ ऑलरेडी डेट फॉर्मेट आपको दिए गए हैं, जो कि लॉन्ग फॉर्मेट, मीडियम, शॉर्ट। यहाँ से भी दोस्तों आप कस्टम सेट कर सकते हैं, और ये कुछ अदर दिए हैं टाइम एगो के हिसाब से। अगर इन सब में जो लिस्ट दी है, इन सब में से आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा यूज़ करना चाहिए, या हम जैसी हमारी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हम कस्टम सेट करेंगे अपना जैसा हम चाहते हैं। उसके लिए इसको क्लोज़ करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में हम जाएंगे डेट एंड टाइप, डेट एंड टाइम, जो कि रीजनल एंड लैंग्वेज के अंदर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वो फॉर्मेट सेट किए हुए हैं जो कि ड्रुपल सिस्टम में इनबिल्ड सेट होके आते हैं, जो कि तीन टाइप के हैं, लॉन्ग, मीडियम, शॉर्ट। आपको नया डेट टाइप सेट करना है तो उसको आप क्लिक कीजिए ऐड डेट टाइप। यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, जो आप डेट टाइप का नाम देना चाहते हैं, और यहाँ से आप वो फॉर्मेट सेलेक्ट कीजिए जिस फॉर्मेट में आपको डेट एंड टाइम चाहिए। अगर आपको टाइम नहीं चाहिए कोई बात नहीं, अगर इन लिस्ट में भी आपको नहीं मिल रहा है वो फॉर्मेट जो आप यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बैक जाइए डेट एंड टाइम में। यहाँ एक नया टाइप है, टाइप्स के बगल में फॉर्मेट्स, इस पर क्लिक करिए। यहाँ वो फॉर्मेट आप ऐड करेंगे जो आप ऐड करना चाहते हैं, इसके लिए ऐड फॉर्मेट। दोस्तों, जैसे ही आप इस पर आएंगे, यहाँ पर आपको वो डेट फॉर्मेट सेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पीएचपी का नीचे लिंक दिया हुआ है, पीएचपी मैनुअल, इसे आप ओपन कर लीजिए। और इसमें आपको कैसे अगर डेट फॉर्मेट सेट करना है, कि किस टाइप का आपको डेट फॉर्मेट चाहिए, तो वो आप पूरी लिस्ट दी हुई है, वो केवल आपको कोड रखना है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट से लेकर 31st तक डेट यूज़ करना चाहता हूँ स्मॉल में, तो मुझे स्मॉल डी लिखना पड़ेगा। अगर मैंने कैपिटल डी लिख दिया तो वो मंथ यानी कि डे का नाम बताएगा, मंडे टू संडे के बीच में। इसी तरीके से ईयर का अगर मैंने कैपिटल वाई लिख दिया तो वो 2016 यानी कि 4 डिजिट लेके आएगा। आइए एग्जांपल लेते हैं कैसे। जैसे डी, और हम यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे स्लैश का, और हमें चाहिए मंथ अपना, जो कि हम कैपिटल एम लेंगे ताकि हमें 3 करेक्टर में मंथ के नाम मिलेंगे। उसके बाद हम ईयर लेंगे 2016। उसके बाद अगर आपको टाइम लेना है तो आप टाइम भी ले सकते हैं, उसके लिए आपको एच यानी कि आवर, यानी कि उसके बाद कोलन, मिनट, या फिर आप मिनट आ गया, अगर आप सेकंड लेना चाहते हैं तो सेकंड भी आ जाएगा, नहीं लेना चाहते हैं
सेकंड लेके दिखाते हैं, सेकंड सेकंड आ गया। और आपको AMPM भी अगर चाहिए तो आप ए दबाएंगे तो आपको AMPM भी मिल जाएगा। सेकंड हटा देते हैं, आवर्स और मिनट लेके चलते हैं, ऐड कर दीजिए। दोस्तों अगर आप कोई डेट फॉर्मेट सेट करना है तो आप यहाँ पर पूरी डॉक्यूमेंटेशन है कि कैसे आपको डेट फॉर्मेट चाहिए, आपको जैसी रिक्वायरमेंट है। इसको PHP मैनुअल का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। डेट फॉर्मेट हमारा ऐड हो गया। अब आते हैं टाइप्स पे, ऐड टाइप्स, डेट टाइप। यहाँ पर आप नाम देते हैं अपना, हम देते हैं न्यू टाइप एग्जांपल के लिए। अब आपने जो फॉर्मेट अभी बनाया है आप उसे सेलेक्ट करेंगे, जो कि सबसे लास्ट में आया, ये कि जो बनाया था स्लैश के साथ, इसको ऐड कीजिए। ऐड डेट टाइप, सेव कॉन्फ़िगरेशन। हम अपने व्यू पे चलेंगे जहाँ पर हमने वो बनाया था, आर्टिकल की लिस्टिंग दिखाई थी, आर्टिकल लिस्ट। यहाँ पर हम डेट फॉर्मेट वही सेलेक्ट करेंगे जो हमने बनाया अभी, उसके लिए एडिट जाएंगे आर्टिकल, डेट पोस्ट डेट पे क्लिक करेंगे। और इसमें आपका डेट फॉर्मेट जो आपने बनाया है वो ये रहा, सेलेक्ट कर दीजिए, सेव अप्लाई कर दीजिए। सेव, ये देखिए डेट फॉर्मेट चेंज हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो था कि अगर आपको अपने ब्लॉग या आर्टिकल में कहीं अगर पोस्ट डेट दिखाना है, जो कि दिखाया भी जाता है कि कब ये ब्लॉग या फिर कोई आर्टिकल क्रिएट हुआ है, पब्लिश हुआ है, तो अगर आपको अपनी डेट फॉर्मेट ड्रूपल की वेबसाइट में चेंज करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।